Hello, what's up guys, my name is Bilal. In this lecture we learn file uploading in our PHP. जी हाँ guys, इस lecture में हम cover करेंगे file uploading को, और guys ये हमारा part 1 है, तो चलिए guys शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, अगर डेमो के तौर पे दिखाऊं कि हम किस तरीके से फाइल को अपलोड करेंगे, ठीक है। जैसे कि गाइज यहाँ पर मैं फाइल को अभी चूज़ करता हूँ, ओके, लेट्स से मैंने ये 2.jpg मैंने फाइल को चूज़ किया, ओके, और अभी देखें यहाँ पर 2.jpg आ गया है, ओके, और यहाँ पर कोई टाइटल मैं सेट कर लेता हूँ, लेट्स से जैसे कि मैं कह देता हूँ वेबसाइट पिक्चर, और यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ बूटस्ट्रैप इंट्रोडक्शन, कुछ भी हम यहाँ टेक्स्ट इंटर कर देते हैं, ओके। अगर मैं सबमिट करता हूँ तो देखें फाइल, सर फाइल आर अपलोडेड सक्सेसफुली, ओके। तो यहाँ पर देखें हमारे पास ये फाइल जो है अपलोड हो चुकी है, और ये जो टाइटल मैंने यहाँ पर दिया था, और ये मेरा जो पैरा जो भी टेक्स्ट था मेरा यहाँ पर आपको शो हो रहा है, ओके। तो इस तरीके से हम ये वर्क करेंगे, ओके। अगर मैं यहाँ पर कुछ और इमेजेस को अपलोड करूँ, लेट्स से जैसे इसको मैं अपलोड कर देता हूँ, और टाइटल हम देते हैं बास्केट, और यहाँ पर कुछ भी हम यानी पैराग्राफ में दे देते हैं, ओके। सबमिट करता हूँ तो देखें नेक्स्ट यहाँ पर आपको शो हो रही है, ओके। इस तरीके से अगर मैं और अपलोड करूँ, लेट्स से इसे मैं अपलोड कर देता हूँ, ओके, और इसको हम एंगुलरेट दे देते हैं नाम, और कुछ भी हम ऐड करते जाते हैं। तो इस तरीके से देखें यहाँ पर ऐड हुई, और फिर से मैं चूज़ करता हूँ, और लेट्स से इसे मैं चूज़ कर लेता हूँ, ओपन करता हूँ, टाइटल हम देते हैं उसको, ओके, और जो भी टैक्स होगा पुटिंग सिस्टम कर देते हैं, सबमिट करता हूँ, और इस तरीके से देखें हमने कितना 4 इमेजेस को हमने अपलोड किया, ओके। इस तरीके से ये डेटाबेस से गाइस ये जो इमेजेस आ रही है आपको डेटाबेस से आ रही है, मीन के अगर मैं यहाँ ब्राउज पे क्लिक करूँ तो देखें यहाँ पर जो इमेजेस जो है अपलोड हुई हैं, ये वाली इमेजेस हैं हमारे पास। इन इमेजेस को मैं यानी कि फेच करके यहाँ पर मैंने शो कराया है, ओके ओके। इस तरीके से मैं अगर एक और इमेज चूज़ करूँ, यहाँ पर मैं इसको मैं चूज़ कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जैसे कि बास्केट, और इसको हम दे देते हैं पैरा, और देखें अब जो इमेज जो अपलोड है वो नीचे आई है। इस तरीके से गाइज 4 इमेजेस जो है वो आप जितनी मर्ज़ी आप इमेज यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, फेच कर सकते हैं, ओके। तो ये सब हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे, और ये जो इस लेक्चर में गाइज हम सिर्फ देखेंगे कि हम फाइल सिस्टम को समझेंगे सिर्फ, ओके, और जितना ये एक वर्क है हमारा ये 3-4 लेक्चर में कवर होगा, ओके। तो मैं आता हूँ एडिटर पे, तो ये डेमो के तौर पे था, अब मैं इसको यहाँ से मिनिमाइज़ करता हूँ, और मैंने यहाँ पर लेक्चर नंबर 32 के नेम से एक फ़ोल्डर क्रिएट किया है, ओके, और यहाँ पर मैंने अपलोड के नेम से एक फ़ोल्डर क्रिएट किया है, ओके, और यहाँ पर मेरे पास इंडेक्स है, और ये connection.php का एक फ़ाइल है, एम्प्टी है, और ये code.php ये भी एम्प्टी है, ओके। अब यहाँ पर जैसे index.php में गाइज एक मैंने फॉर्म मैंने क्रिएट किया हुआ है, ठीक है, फॉर्म का आपको मसला नहीं होना चाहिए क्योंकि मैंने फॉर्म कराया हुआ है बूटस्ट्रैप में भी और बार बार, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर देखें सबसे पहले मैंने यहाँ फॉर्म मेथड पोस्ट, इसमें एक और एट्रीब्यूट गाइज ऐड हुआ है, वो है इंक टाइप, ठीक है, इंक्रिप्शन टाइप, ओके। तो यहाँ पर आपने देना है मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा, जब भी आप फाइल्स पे काम करेंगे तो गाइज आपको ये एट्रीब्यूट ऐड करना पड़ेगा, मस्ट है, ओके। नेक्स्ट वही काम जैसे कि टाइटल, और ये देखिए नेम क्या मैंने दिया है, टाइटल दिया है, इंटर योर टाइटल, इंटर योर टेक्स्ट, ठीक है, टेक्स्ट, और यहाँ पर देखिए अब इसका टाइप क्या है, फाइल, और इसका नेम क्या है, माय फाइल, ओके, और इंटर योर फाइल, ओके। तो यहाँ पर मैंने सिंपल एक बटन बनाया है, ओके, अगर मैं इसको ओपन करूँ ब्राउज़र में तो ये कैसे शो होगी, ठीक है, तो लोकल होस्ट, और लेक्चर नंबर हमारा गाइस क्या है, ओके, लेक्चर नंबर है 32, ओके, और यहाँ पर है index.php, ओके। तो देखिए ये है टाइटल, और ये है टेक्स्ट हमारे पास, और ये है चूज़ फाइल, ओके। तो यहाँ पर मुझे चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, जैसे कि ये जो लेबल है इसको हम कर देते हैं अपलोड फाइल, ओके, अपलोड फाइल, ओके, सेव। तो अब मैं अगर यहाँ रिफ्रेश करूँ तो अब आपको यहाँ शो होगा अपलोड फाइल, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर अब सेटअप हो चुका है, फॉर्म हमारा रेडी है। अब मैं आता हूँ जैसे कि यहाँ code.php के अंदर, तो गाइस सबसे पहले आपको जो फाइल की
इन्फो है उसका आपको हाउ नो होना चाहिए। ओके, तो वो इन्फो हम कैसे गेट करेंगे, लेट्स से जैसे गाइज मैं क्योंकि पीएचपी का टैग स्टार्ट करता हूँ, ओके, और यहाँ पर मैं लेता हूँ इको, ठीक है, और यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा प्री का टैग। ओके, इसके अंदर हम सिंगल कोट और यहाँ प्री, ठीक है, क्योंकि इमेज की जितनी भी इन्फो है वो हमें अरे की फॉर्म में शो होगी, ठीक है, तो मैं यूज़ करूँगा प्रिंट आर, ओके, और यहाँ पर डॉलर अंडरस्कोर फाइल, ये ग्लोबल अरे है जो कि हम फाइल के लिए यूज़ करते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं देखूँगा माई फाइल, ओके, यहाँ पर मैं सेमी कॉलन, ओके, नीचे आता हूँ एको, और यहाँ पर मुझे प्री को क्लोज़ करना पड़ेगा। ओके, प्री अगर मैं सेव करूँ इसको, और अब देखिए माय फाइल ये जो नेम है मैंने यहाँ पर टाइप किया है, ओके, इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होने चाहिए आपको। ओके, सेव करता हूँ। अब अगर यहाँ पर मैं कोई चूज़ फाइल करता हूँ, लेट्स से कि मैं जैसे कि 2.jpg को मैं चूज़ करता हूँ, ठीक है, ओपन करता हूँ, और जैसे ही सबमिट फॉर्म करता हूँ तो देखें मुझे एक अरे मिल रही है जिसमें इमेज की जितनी भी इन्फो है वो यहाँ पर राइट है। ओके, जैसे कि इमेज का नेम क्या होगा 2.jpg, टाइप क्या होगा इमेज जेपीएग, ओके, और टैम्प अंडरस्कोर नेम, ये टेम्परेरी तौर पे गाइज जो फाइल हमारी सेव होती है वो जैम्प के अंदर टैम्प का जो फोल्डर है उसके अंदर ये गाइज ये टेम्परेरी तौर पे सेव होती है, मीन के सर्वर पर टेम्परेरी तौर पे सेव होती है ये फाइल, ठीक है। मैं अगर आपको दिखाऊँ यहाँ पर एक्सप्लोर पे आऊँ, और यहाँ पर है हमारे पास टैम्प का फोल्डर, यहाँ पर गाइज ये फाइल सेव होती है हमारी, ओके, टेम्परेरी तौर पर। ओके, तो नेक्स्ट जो है हमारे पास एरर 0 है, साइज़ क्या है इसका 312, ये साइज इसका, ओके, तो ये थी, इस तरीके से आप फाइल की इन्फो जो है वो गेट कर सकते हैं। ओके, ठीक है, तो अब हम इसको हम रिमूव कर देते हैं, अब हम प्रैक्टिकली वर्क जो है वो करते हैं अपना, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो फाइल का नेम होगा वो हम यहाँ पर टाइप करेंगे, ठीक है, तो फाइल का नेम फाइल अंडरस्कोर नेम के नेम से एक वेरिएबल बना लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर यूज़ करूँगा डॉलर अंडरस्कोर फाइल, और यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा माई फाइल, ओके, और यहाँ पर आएगा नेम, अगर मुझे नेम गेट करना है तो फाइल का नेम मुझे यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा जो कि वहाँ पर मैंने दिखाया पहले आपको, नेम, उसके बाद टेम्प नेम, ठीक है, साइज़, ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम इसमें देखेंगे। ओके, सेमी कॉलन, अगर मैं यहाँ पर एको करूँ और यहाँ लिखता हूँ डॉलर फाइल अंडरस्कोर नेम, ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर फाइल का नेम प्रिंट होकर शो होगा। ओके, अगर मैं यहाँ पर आऊँ और बैक पे आऊँ और रिफ़्रेश करूँ यहाँ पर, और यहाँ पर चूज़ फाइल करता हूँ, लेट्स से मैं कहता हूँ कि 10.jpg ओपन करता हूँ, सबमिट करता हूँ, तो देखिए मुझे फ़ाइल का नेम मिल रहा है सिंपल। ओके, इस तरीके से ये तो था, हमने फ़ाइल का नेम गेट किया। अब मुझे गेट करना है टेम्प नेम, टेम्परेरी तौर पर गाइस फाइल कहाँ सेव होगी तो वो मुझे गेट करना है, ठीक है, तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं टेम्प अंडरस्कोर जो फाइल है उसको गेट करना है मैंने, ठीक है, डॉलर अंडरस्कोर फाइल, और यहाँ पर माय फाइल, ओके, और यहाँ पर नेम बिल्कुल एक्यूरेट लिखना है यहाँ पर, टेम्प अंडरस्कोर नेम, ठीक है, ओके, अगर आपको इसका याद नहीं है तो एको करके प्रिंट आ करके आप चेक कर सकते हैं, तो नेम आपने ये सेम टू सेम देना है। ओके, नीचे अगर मैं इसको एको करवाऊँ तो ये आपको क्या रिटर्न करेगा, डॉलर टेम्प फाइल, ओके, सेव। अगर मैं यहाँ पर आऊँ और इसको ही सबमिट कर दूँ तो देखिए मुझे ये टेम्परेरी जो लोकेशन है वो बता रहा है, ठीक है, ओके, तो इस तरीके से ये हो गया हमारा वर्क। ओके, मैंने इसको कंट्रोल शिफ्ट टी प्रेस करता हूँ, ओके, तो यहाँ पर अब इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अब इसको हमने सेव करना है अपलोड डायरेक्टरी के अंदर यहाँ पर, तो हम कैसे सेव करेंगे। ओके, यहाँ पर मैं एक बनाता हूँ अपलोड डायरेक्टरी के नेम से एक वेरिएबल, अपलोड अंडरस्कोर डायरेक्टरी के नेम से हमने एक वेरिएबल बनाया, और यहाँ पर अब मैं अपलोड, ठीक है, फॉरवर्ड स्लैश डॉट, यहाँ पर मुझे गाइस ये फाइल का नेम पास करना पड़ेगा, फाइल अपलोड तो हो जाएगी लेकिन मैं कहता हूँ जब जैसे वो फाइल यानी कि मीन के अपलोड हो तो उसका जो फाइल का नेम भी साथ आए, ठीक है, फाइल अंडरस्कोर नेम, ओके, सेमी कॉलन सेव। अगर मैं एको करूँ यहाँ पर तो आपको ये कैसे शो होगा, डॉलर अपलोड अंडरस्कोर डायरेक्टरी, ओके, यहाँ पर इसको क्लिक सेव। अगर मैं यहाँ पर आऊँ और बैक पे और इसको मैं सबमिट करूँ तो अपलोड फाइबर स्लैश 10.jpg, इस तरीके से आपको दिखाई पड़ेगा। ओके,
ठीक है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो है गाइज, वो है हमारे पास कि हमने साइज़ मीन के फाइल का जो साइज़ होगा वो हमने बताना है। ठीक है, तो डॉलर अंडरस्कोर, ओके डॉलर अंडरस्कोर, और यहाँ पर माय फाइल, ओके माय फाइल, और यहाँ पर मुझे बताना पड़ेगा साइज़। ठीक है, तो ये जो वेरिएबल है ये हमें फ़ाइल का साइज़ बताएगा। ओके, हम गाइस साइज़ पे भी कंडीशन लगा सकते हैं कि 1 MB से ज़्यादा ना हो, 2 MB से ज़्यादा ना हो, या 4 MB हो मैक्सिमम। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस पे कंडीशन लगा सकते हैं। ओके, इफ़ कंडीशन लगा सकते हैं, और ये हमेशा हम इसको बाइट्स में ही कंडीशन लगाएंगे। ओके, तो नीचे आता हूँ, यहाँ पर मैं डॉलर, और यहाँ पर हम देते हैं फाइल अंडरस्कोर एक्सटेंशन, कि फ़ाइल की एक्सटेंशन क्या होगी। सबसे पहले अगर मैं एको करके आपको दिखाऊं फाइल साइज़, तो आपको ये कैसा शो होता है, एको, ताकि कन्फ्यूज़न ना रहे, फाइल अंडरस्कोर साइज़। ओके, तो ये हमें फ़ाइल का साइज़ जो है वो प्रोवाइड करेगा। ओके, अगर बैक पे आऊं और सबमिट करूं तो देखिए ये मुझे फ़ाइल का साइज़ प्रोवाइड कर रहा है। ओके, अब नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास कि हमें फ़ाइल का एक्सटेंशन गेट करना है। ठीक है, डॉलर यहाँ पर जैसे कि फाइल अंडरस्कोर एक्सटेंशन, ओके मैंने एक वेरिएबल लिया, और यहाँ पर मैं एक मेथड है हमारे पाथ इन्फो के नेम से, मैं इसको यूज़ करूँगा, और इसमें हम पास करेंगे हमारा फाइल का नेम, यानी कि डॉलर फाइल नेम। ओके, तो यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूँगा डॉलर फाइल अंडरस्कोर नेम। ओके, और यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट यूज़ होगा पाथ इन्फो के नेम से। ओके, पाथ इन्फो एक्सटेंशन के नेम से हमारे पास एक ये कॉन्स्टेंट है, तो गाइस कॉन्स्टेंट को हमेशा हम कैपिटल लेटर में लिखते होते हैं, ओके सेमी कॉलन। तो ये हमें फाइल की एक्सटेंशन प्रोवाइड करेगा जो भी फाइल होगी। ओके, अगर मैं एको करूँ यहाँ पर गाइस, मैंने एक एक चीज़ को दिखाया कि एको करके आपको ये क्या क्या वर्क कर रही है। ओके, डॉलर फाइल अंडरस्कोर एक्सटेंशन, ओके सेव। अगर मैं ओके सेव करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर लेट्स से मैंने इसी फाइल को मैंने चूज़ किया, अगर सबमिट करता हूँ तो देखिए मुझे बताएगा इसकी एक्सटेंशन क्या है, JPG। ओके, तो ये मुझे एक्सटेंशन प्रोवाइड कर रहा है। ओके, नेक्स्ट जो है गाइज, एक हम यहाँ पर कंडीशन लगाते हैं, अब मैं कहता हूँ सिर्फ इमेज ही हम अपलोड करना चाहते हैं, तो एक्सटेंशन यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मैं यूज़ करूँगा फाइल डॉलर फाइल अंडरस्कोर एक्सटेंशन, ओके इक्वल इक्वल टू अगर होती है JPG, ओके और ठीक है, और यहाँ पर डॉलर फाइल एक्सटेंशन इक्वल इक्वल टू हो जाती है PNG, ओके और यहाँ पर फिर से और यहाँ पर लिखता हूँ फाइल अंडरस्कोर एक्सटेंशन और इक्वल इक्वल टू हो जाती है GIF। ओके, अगर इनमें से कोई होती है तो हमें मैसेज प्रिंट हो एको इमेज फाइल। ओके, इमेज फाइल का हमें मैसेज शो हो। ठीक है, अगर ना हो एको, अगर इनमें से कोई हट के हम करते हैं तो हमें मैसेज आए एको इट्स नॉट इमेज फाइल। ओके, हमें ये मैसेज आ जाए। ओके, सेव करता हूँ मैं। ओके, तो अब मैं यहाँ पर आता हूँ और चूज़ फाइल करता हूँ यहाँ से मैं, और 2.jpg, और यहाँ सबमिट करता हूँ इमेज फाइल, मीन कि ये क्या है, एक इमेज फाइल थी हमारे पास। लेट्स से के और भी हमारे पास अगर चूज़ करूँ, यहाँ से मैं आता हूँ राव सॉफ्ट में, और यहाँ पर है हमारे पास लेट्स से के ओके, यहाँ पर MySQL, और ये इमेज जो है इनको हम अपलोड करते हैं। ठीक है, ये PNG में है। अगर मैं सबमिट करता हूँ तो देखें इमेज फाइल। ओके, अगर तो मैं यहाँ पर चूज़ कर लेता हूँ किसी वीडियो को, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर आऊँ और यहाँ पर मैं चूज़ कर लेता हूँ किसी एक वीडियो को, लेट्स से मैंने इसको चूज़ किया, अभी ये MP4 है। ठीक है, थोड़ी देर सर्च करेगा, हम थोड़ा वेट करते हैं। तो देखिए गाइस, इट्स नॉट ए इमेज फाइल, आपको ये इस तरीके से रिजल्ट शो रहा है, क्योंकि मैंने MP4 को मैंने अपलोड किया है, मैंने एक वीडियो को अपलोड किया, तो यहाँ पर इट्स नॉट ए इमेज फाइल आपको शो हो रहा है। ओके, तो इस तरीके से हमारी कंडीशन जो है वो सक्सेसफुली ठीक है। ओके, तो अब मैं आता हूँ दोबारा से एडिटर पे, और अब यहाँ पर मैं इमेज को अपलोड करता हूँ इस फोल्डर में, डायरेक्टरी में। ओके, तो अब उसको मैं कैसे करूँगा, लेट्स से गाइस यहाँ पर मैं एक जैसे कि मूव अपलोडेड फाइल के नेम से, गाइज हमारे पास एक ये मेथड है
ठीक है, मैं इसको यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट में हमारे पास दो पैरामीटर पास होते हैं। तो सबसे पहले जो टेम्प फाइल है, ये पैरामीटर टेम्परेरी फाइल कहाँ पर है सर्वर पर जो स्टोर है, वो उसको हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे। इसमें कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करने के बाद यहाँ पर इसको मैं पेस्ट करता हूँ। ओके, अब इसको हमने कहाँ, जहाँ पर डेस्टिनेशन, जहाँ पर इसको हमने अपलोड करना है तो उसका मैंने पाथ देना है। ओके, अब इसको मैंने अपलोड करना है अपलोड डायरेक्टरी के अंदर। ओके, कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पर सेमी कॉलन सेव। ओके, इसको मैं सेव करवाता हूँ एक वेरिएबल के अंदर, वेरिएबल रिजल्ट के नेम से हम एक वेरिएबल बना लेते हैं। ओके, और यहाँ मैं लेता हूँ इफ़ कंडीशन डॉलर रिजल्ट। ओके, अगर तो हमारी इमेज अपलोड हो जाती है एको सर इमेज अपलोडेड। ओके, और अगर नहीं होती है एको सर नो इमेज अपलोडेड। ओके, अपलोडेड, तो इस तरीके से आपको ये मैसेज मिलने वाला है। ओके, तो अगर मैं यहाँ पर चूज़ करूँ फाइल को, ठीक है, और जैसे कि राव सॉफ्ट, और यहाँ पर इमेजेस है और इसमें इमेज को मैं चूज़ कर लेता हूँ, ओपन करता हूँ, सबमिट करता हूँ, सर इमेज अपलोडेड। अब इमेज हमारी अपलोड होगी। अगर मैं फोल्डर में जाऊँ चेक करूँ तो देखें 2.jpg हमारी जो इमेज है वो अपलोड हो चुकी है। ओके, तो इस तरीके से हमने देखा कि इमेज हमारी अपलोड हो गई है। अगर मैं फिर से इसी 2.jpg को गाइस अपलोड करूँ फिर क्या होता है, अगर मैं चूज़ करता हूँ फिर से और 2.jpg अगर मैं उसको सबमिट करता हूँ तो फिर क्या होता है, सर इमेज अपलोडेड। लेकिन आप देखिएगा इमेज हमारे पास सिर्फ एक दफ़ा ही मीन के उसको ओवरराइड कर दिया उसने, ठीक है, मीन के जैसे कि उसने अलहदा से नहीं किया, तो ये तो गलत है। मीन के अगर एक यूज़र जो है एक ही नेम से अगर इमेज को अपलोड करता है तो वो तो फिर इस तरीके से आपको एक ही इमेज उसको ओवरराइड कर देगा, ठीक है, हालांकि इसको ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हमको यूज़ करना पड़ेगा एक मेथड। ओके, और यहाँ पर मैं लेता हूँ फाइल यूनिक के नेम से एक मेथड, ठीक है, यूनिक के नेम से मैंने एक मेथड लिया और यहाँ पर मेरे पास एक बिल्ट इन मेथड है गाइस PHP के अंदर यूनिक आईडी के नेम से। ओके, अब यूनिक आईडी हमें क्या प्रोवाइड करता है, अगर मैं यहाँ पर ओके इसको हम ऐसे करते हैं कि मैं इसको मैं पास करता हूँ ये फाइल एक्सटेंशन का वेरिएबल। ओके, जो भी एक्सटेंशन होगी यहाँ पर आई मीन कि जो भी अब फाइल अपलोड करेंगे उसको एक यूनिक आईडी मिल जाएगी। ओके, अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ, मैं डॉलर फाइल अंडरस्कोर एक्सटेंशन में यहाँ पास करता हूँ, सेव करता हूँ इसको मैं, और इसको मैं कराता हूँ एको, आपको दिखाता हूँ कि ये वर्क कैसे करता है। डॉलर फाइल यूनिक, ओके सेव, तो नीचे वाले को सारे को मैं एग्ज़िट कर देता हूँ। एग्ज़िट के नेम से एक हमारे पास एक बिल्ट इन मेथड है, इसको यूज़ करूँ या डाई यूज़ कर लें आप, ठीक है, सेव। ओके, अगर मैं इसको बैक पे आऊँ और ये जैसे इमेज है, अब देखिए इसका जो आईडी क्या आपको शो हो रहा है, ये आपको ये आईडी शो हो रहा है। ओके, यहाँ पर हमें डॉट लगाना है, ठीक है, देखिए हर दफ़ा यूनिक आईडी आपको यहाँ मिलने वाला है। ओके, अभी देखिए CC47 है, अगर दोबारा से मैं इसी इमेज को अपलोड करूँगा 2.jpg तो देखें अब आईडी चेंज हो गया आ रहा है। तो ये है इसका काम, ठीक है, मैंने रैंडम आईडी जो है जनरेट करता है ये। ओके, यहाँ पर डॉट और यहाँ फिर कनेक्ट करवाएंगे सेव, अब ठीक है। ओके, अब मैं अगर फिर से अगर मैं अगर यहाँ पर सबमिट करूँ तो देखें अब सही है .jpg। ओके, अब हम ऐसे करते हैं कि इसको हम यहाँ से रिमूव करते हैं और मैं यहाँ पर कॉल करता हूँ इसी को, जो हम फोल्डर पहले जो हम अपलोड कर रहे थे, सिंपल फाइल को अपलोड कर रहे थे, अब मैं यूनिक आईडी वाली जो है फाइल को अपलोड करना चाहूँगा। तो मैं इसको यहाँ पर पेस्ट करता हूँ और अब मैंने यहाँ पर इस वेरिएबल की जगह मैंने फाइल यूनिक को मैंने रख देना है, ठीक है, तो फाइल यूनिक के नेम से जो वेरिएबल उसको मैंने यहाँ पेस्ट कर देना है। आप बेशक इसको कमेंट में भी कर दें या ना करें कोई बात नहीं, ठीक है, सेव। ओके, तो अब अगर मैं इसको एको करूँगा जैसे कि डॉलर एको डॉलर अपलोड ओके अंडरस्कोर डायरेक्टरी ओके सेव, तो अब देखिएगा आप यहाँ पर अब यूनिक हमें आईडी मिलने वाला है। ओके, हर एक फाइल पे चूज़ करता हूँ यहाँ से मैं कोई भी फाइल जैसे कि 13.jpg ओके सबमिट करता हूँ तो देखिए यूनिक आईडी मुझे मिलने वाला है, देखें ये देखें। ओके, तो अब वो जो वर्क था कि अब ओवरराइट वाला काम था वो गाइस ख़त्म हो गया। ओके, ठीक है, तो इसको एग्ज़िट को मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ और ये जो एको हो रहा है बार बार इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ओके,
तो अब जो अपलोड डायरेक्टरी के नेम से है यही मैंने यहाँ पर नाम रखा हुआ है, यही नाम यही है। अगर आप चेंज करते हैं तो आपको यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। ओके, तो अगर मैं इसको सेव करूँ और अब यहाँ से मैं फ़ाइल को अपलोड करूँ, रिफ़्रेश करूँ, चूज़ करूँ यहाँ पर मैं, और 3.jpg अगर ओपन करूँ और सबमिट करूँ तो क्या देखें सर, इमेज अपलोडेड। ओके, इस तरीके से मैं दो तीन इमेजेस और अपलोडेड कर लूँ। लेट से जैसे कि मैं 3 को दोबारा से कर लेता हूँ, ठीक है, सबमिट करता हूँ और देखें सर इमेज अपलोड। अगर मैं यहाँ चेक करूँ तो देखें गाइज आपको यूनिक आईडी मिलने वाली है। ओके, अगर मैं 2 को फिर से मैं अपलोड करूँ, लेट से जैसे कि अभी 3 किया था मैंने, अब मैं 2 को अपलोड करूँ, ठीक है, ओपन करूँ, सबमिट करूँ, तो देखें अब यहाँ पर भी आपको यूनिक आईडी मिलने वाला है। ओके, तो इस तरीके से देखा कि गाइज हम इमेज को कैसे अपलोड कर सकते हैं। तो गाइज नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे हम डेटाबेस में इस इमेज को कैसे अपलोड करेंगे। ओके, तो गाइज इस लेक्चर में इतना ही। गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।